दोस्तों ये तोशिबा का एलईडी टीवी है 32 इंची का मॉडल नंबर देखा दो। ये 32 इंची है, इसमें दिक्कत क्या है हम थोड़ा देख लेंगे। इसको पहले लाइन दिया, इसको देखो अब क्या देखा है। ये देखो बैक लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है, नो पिक्चर आ रहा है ना। अभी हम इसको कोशिश करेंगे सही करने का। अभी हम कस्टमर का घर में आया हो तो देखेंगे सही होता है क्या नहीं। दोस्तों ये नो पिक्चर का फॉल्ट बहुत सा कारण से होता है, लेकिन ऐसा ही है कि नो पिक्चर का फॉल्ट है तो हम जाए ओपन करेंगे सीक्यूवी लाइन काट देंगे पिक्चर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सही तरीके से उसको ढूंढना है प्रॉब्लम कहाँ है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने इसको खोल भी रखा था और उसको ट्रेस भी करके रखा था, ठीक है। तो हम इसको दिखाएंगे। कोई टेक्नीशियन भाई ने बोला था ये बोर्ड खराब है। नो पिक्चर का फॉल्ट ज़्यादातर 99.9% आता है एक टीकॉन से या फिर हमारा ग्लास साइड से, इसमें प्रॉब्लम तो होता ही नहीं। ये अगर ऑन हो रहा है तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। और दोस्तों ये काम 2-10 मिनट के अंदर होता नहीं है। जो 10 मिनट के अंदर वीडियो बना देते हैं तो आपको लगता है ऐसा एकदम 10 मिनट में काम सीख जाएगा और 10 मिनट में काम कर लेंगे कोई भी काम, ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिलहाल हम अभी देखो इसमें देखो ए लाइन शॉर्ट मिला मेरे को, जूम करके देखो ये देखो ये लाइन हमारा शॉर्टिंग है, ये भी शॉर्ट है ये भी। अभी इस लाइन में जितना कैपेसिटर रहेगा वो पूरे के पूरे शॉर्ट बताएगा, ठीक है। तो हमको पहले क्या क्या देखो, इसमें मैंने इधर बीच में काट दिया, दो ट्रैक बन गया। तो जब मैंने ट्रेस किया आईसी साइड में सही था, आगे की तरफ शॉर्टिंग दिख रही, तो ये लाइन गया इधर से होके इधर इधर तक। इधर से क्या हुआ देखो, पीछे आ गया, इधर मैंने क्रैच किया, उधर से ट्रेस किया, हाँ यही पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट देखो, इधर से एक कॉप में आया, इधर जो कॉप है एक कॉप इसमें आया है, तो मैंने इस कॉप को इधर से काट के अलग कर दिया। जब इधर से ट्रेस किया तब देखा इस साइड में शॉर्टिंग है, तो मैंने क्या किया इसको ओपन करके इधर आया। इस इधर एक कॉप है, ये कॉप देखो इधर काट दिया, मतलब क्या है ये कॉप और ये दोनों कॉप के अंदर मैंने काट दिया। तो अभी इस दोनों का ये दोनों का बीच में कटना है, तो मैंने वही किया इधर काट दिया। काटने के बाद जब इधर ट्रेस किया तो ये साइड सही है, ठीक है, ये साइड सही है, लेकिन इस साइड में शॉर्टिंग दिखा रही थी। इस साइड दो कॉप है, एक दो, तो इस दोनों का अंदर हम काट गए ये। तो जब देखा ग्राउंड के साथ देखा तो इस साइड से ही था, इस साइड में प्रॉब्लम दिखा था, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम आया है इस कप से आया हुआ है, ठीक है, इस लाइन में शॉर्टिंग है। इधर दो कैपेसिटर था उसको मैंने चेक किया, इधर एक और इधर एक, लेकिन वो बिल्कुल सही मिला। उसके बाद हमारा देखो इधर पूरा झूम करके दिखाओ, ये लाइन कहाँ कहाँ जाती है, ये लाइन देखो इधर से आती है गुजरती है, इधर देखो ये थोड़ा सा गया हुआ है ना, इधर आगे की तरफ अरे है ना इधर, ये मतलब ये बोर्ड का अंदर से गया हुआ है एक, उसका पहले देखो और एक है इधर, इधर एक है, टच करो देखो अभी 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 सही दिख रही है। देखो इसमें एक एक अंदर गया हुआ है, इधर एक गया हुआ है, दो और आगे की तरफ जाएंगे तो इधर एक गया हुआ है, और आगे जाएगा तो इधर एक है, और आगे जाएंगे इधर एक है, ठीक है, मतलब इसमें 6 ट्रैक अंदर गया हुआ है, ठीक है।
तो हम क्या क्या मतलब शॉर्टिंग तो स्कोप में ही मिला था, तो हम करेंगे क्या, इसको क्रैच करेंगे। क्रैच करने के बाद जो अंदर गया है एक एक लाइन को हम कट करेंगे, एक एक लाइन को, सिर्फ एक एक लाइन को। तो पहले हम यही से ट्राई किया, ठीक है, यही से ट्राई करने का बाद देखो ये अभी इसका साथ शॉर्टिंग है, इसको देखो मैंने तो जूम आउट कर लेते तो क्लियर आएगा। ये देखो एक पॉइंट को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इधर देखो आगे की तरफ जाओगे तो इधर देखो दो लाइन निकल रही है, ऐसे हमारा इस पॉइंट को मैंने ओपन किया, ये जो डॉट बनी हुई है ये डॉट को मैंने ओपन किया इधर। हाँ अभी हम दिखा देते हैं इसमें इस डॉट पॉइंट में शॉर्टिंग है, ये देखो मीटर की तरफ देखो इसमें शॉर्टिंग दिखा रही है, ठीक है, लीड भी आ रही है। और हमारा इस लाइन में देखो अभी रीडिंग दिखा रही है, इसमें पहले शॉर्टिंग दिखा रही थी मतलब यही से शॉर्ट आ रही थी, ये जो मिडिल का पॉइंट दिया हुआ इसमें शॉर्ट आ रही थी, इसको कटिंग किया तब जाके पैनल चलने का लाइक हुआ, ठीक है। अगर इसी तरह वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।